इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है रायसेन से, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल। मृतकों और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। मृतकों में प्रियंक तिवारी, सृष्टि तिवारी और एक अन्य की नौकरी ज्वाइन करने जा रहे थे परिवार। खरवई के जाखा पुल के पास हुआ यह दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार वाहन नीचे खंती में जा गिरा, जिससे हुआ यह हादसा। मृतक एवं घायल सभी संतोष तिवारी नाकेदार वार्ड नंबर 13 के परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना सुबह 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि रायसेन में एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में प्रियंक तिवारी उम्र 35 साल, सृष्टि तिवारी उम्र 25 साल और एक अन्य जिसकी उम्र लगभग 7 साल बताई जा रही है, उनकी मौत हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि ये लोग नौकरी ज्वाइन करने जा रहे थे और खरबई के जाखा पुल के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन नीचे खंती में गिरने से ये हादसा होना बताया जा रहा है। मृतक एवं घायल सभी संतोष तिवारी नाकेदार वार्ड नंबर 13 के परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना की जैसे ही कोतवाली में सूचना मिली, तभी कोतवाली थाना प्रभारी और अस्पताल में पहुंचे।